सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वह अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर आते नजर आई है, जो कि शेयर के अंदर आज जो तेजी बनी है उसका सबसे बड़ा रीजन ही वही है। ठीक है, जो खबर आई है ना, सबसे बड़ा रीजन स्टॉक के अंदर तेजी का वही है। अडानी ट्रांसमिशन हो, चाहे अडानी ग्रीन एनर्जी हो, चाहे अडानी पावर हो, तीनों शेयरों में जो तेजी बनी है आज के दिन, जो महा ब्रेकआउट्स हमें देखने को मिले हैं, वो सिर्फ एक अपडेट की वजह से आई है। तो चलिए आपको दिखाते क्या खबर आई है और उन सबके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्या टारगेट रहने वाले हैं और क्या हमें इस शेयर के अंदर शॉर्ट पोजिशन में चलना चाहिए या फिर लॉन्ग पोजिशन स्टॉक में बनानी चाहिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। जैसा कि आप देखोगे ASM अपडेट देखें, सॉरी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी स्टॉक अभी भी ASM की फर्स्ट स्टेज में एक्टिव है, जो कि लॉन्ग टर्म ASM में 6 अप्रैल को एक्टिव हुआ एंट्री हुई थी, और उससे पहले आप देखोगे सेकंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज में है, काफ़ी अच्छी बात है। वहीं आप देखोगे जो वॉल्यूम लगी स्टॉक के अंदर 2.9 मिलियन, यानी कि 29 लाख के आसपास स्टॉक में हैवी वॉल्यूम हमें देखने को मिली है, जिसके चलते स्टॉक 950 रुपये के भाव पर पहुंचा हुआ है। तो चलिए भाई देखते हैं, आप देखोगे स्टॉक अभी आपको एक साल में जो है अभी 66% के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, और अपने 52 वीक हाई जो कि 3000 रुपये हैं, तकरीबन वहाँ से लगभग 68% के बिग फॉल पर दिखाई दे रहा है। और ये गिरावट क्यों हुई थी, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो हमला किया था ना अभी अडानी ग्रुप के ऊपर, इसी वजह से। अब आप देखोगे अडानी ग्रुप अपनी छवि सुधारने के लिए हर वो प्रयास कर रहा है जो उनसे हो सके, ठीक है, और उन्हीं प्रयासों के चलते एक बहुत बड़ी खबर आई है। चलिए पहले वो खबर देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आगे हमें शेयर के अंदर क्या करना चाहिए। और 1 मई को तो आपको पता ही होगा बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और वो 1 मई आपको नहीं भूलनी है। तो चलिए देखते हैं पहले न्यूज। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इंडिया टीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें जो ना भाई ये न्यूज देखने को मिली। न्यूज क्या है, अडानी समूह हरित ऊर्जा ग्रीन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए आप देखोगे तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आई है, 1.1 या फिर 1.5 बिलियन अरब अमेरिकी डॉलर। तो बहुत बड़ी आप देखोगे भाई ये अचीवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। जैसे ये खबर आई आप देखोगे स्टॉकों के अंदर तेजी बन चुकी है, और ये तेजी हमें जो ना अभी बरकरार देखने को मिलती रहेगी। आपने देखो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, ठीक है, बहुत बड़ा खतरनाक जो ना भी आपको जो ना स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिला। अब आप देखोगे कंपनी ने अनाउंस कर दिया ग्रुप ने कि वो 145 बिलियन अरब डॉलर्स का जो ना भी आप देखोगे फंड रेज करना चाह रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक्स में काफ़ी हैवी तेजी बनने के चांसेस है। तो जैसे ये खबर आई कल के दिन, और आते ही आप देखोगे स्टॉक के अंदर जो ना भी एक खतरनाक तेजी बनी है। तो चलिए भाई, ये है वो सबसे बड़ी खबर जो ग्रीन ऊर्जा के लिए अडानी ग्रुप जो ना भी 1.5 बिलियन अरब डॉलर जो ना भी जुटाने जा रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अब इसके 1 तारीख को क्या होने वाला है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी जो ना भी 1 तारीख को अपने बोर्ड मीटिंग रखेगी, जिसके अंदर अपने जो रिजल्ट्स है, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो जारी करेगी। तो यहाँ पर मेन सिचुएशंस बनती है कि हमें शॉर्ट पोजीशन स्टॉक में बनानी है या फिर जो ना भी लॉन्ग पोजीशन स्टॉक में बनानी है। अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो भाई क्वार्टर 4 के नंबर से हमें देखने, और लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है तो भी क्वार्टर 4 के नंबर से हमें देखने हैं। जिस हिसाब से जो न्यूज़ आई है वो भी जो ना भी शॉर्ट टर्म के लिए तो बेस्ट है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है भाई। 145 अरब डॉलर का जो ना भी आप देखोगे तकरीबन फंड रेज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से बहुत बड़ी अपडेट आप इसको लेकर चल सकते हो, जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी हैवी रिटर्न्स आपको ये शेयर निकाल कर दे सकते हैं। अगर यहाँ पर जो ना भाई क्वार्टर 4 अच्छे आएंगे तब, तो यहाँ से जो तेजी बनी स्टॉक के अंदर वो आपका रीजन जो ना अभी क्लियर हुआ होगा, और आगे भी स्टॉक अब आपको जो ना भी यहाँ से और ज़्यादा तेजी दिखाने वाला है। तो इस शेयर के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म पोजिशन बनाई है तो नीचे में SL वगैरह क्या लेकर चलना चाहिए, और हमें जो ना भी शॉर्ट पोजिशन बनानी है तो SL वगैरह लेकर क्या चलना चाहिए वो आपको बताएंगे क्वार्टर 4 के नंबर्स के बाद, जो हमें देखने को मिलेंगे 1 मई को। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे रिजल्ट आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।